सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है और इन सर्दियों में अगर आपको एक अच्छे रूम हीटर की तलाश है तो आज के इस वीडियो में हम एक बढ़िया रूम हीटर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। यह दोस्तों आज हम अनबॉक्स और रिव्यू कर रहे हैं हैवेल्स कैलिडो पीटीसी फैन हीटर का और क्या कुछ है खास जानेंगे आगे के इस वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये हमारा मेन बॉक्स और हैवेल्स कैलिडो पीटीसी फैन हीटर, एक साल का वारंटी है, 2000 वॉट है, ISI है और कुछ ऐसा ही दिखता है। इस प्रोडक्ट का एमआरपी लगभग 5,845 रुपये है, लेकिन ये आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आपको लगभग 5,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जिसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ जाकर आप इसकी करंट प्राइस चेक कर सकते हैं, परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं हमारी मेन यूनिट। तो दोस्तों ये है हमारी मेन यूनिट और सबसे पहली चीज़ जो इसको देखते दिमाग में आती है वो इसका कलर कॉम्बिनेशन। व्हाइट एंड गोल्ड कलर का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव है और पूरा जो ये हीटर है ये प्लास्टिक से बना हुआ है टॉप टू बॉटम तक, और ये जो प्लास्टिक है काफ़ी स्टर्डी फील हो रहा है, काफ़ी मजबूत है और प्लास्टिक से बने होने की वजह से ये काफ़ी लाइट वेट भी है। इसका वेट है लगभग 3 किलो के आसपास का वेट है, ताकि आप इजीली इसको आराम से इधर से उधर आप कैरी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसमें 2 नॉब्स दिए हुए हैं, एक ये है इसका टेम्परेचर रेगुलेटिंग नॉब और एक है इसका पावर नॉब। पावर नॉब में बेसिकली 2 हीट सेटिंग है, एक आप इसे 1300 वाट पर भी चला सकते हैं और दूसरा आप इसको 2000 वाट पर भी चला सकते हैं। जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग नॉब है इसका दूसरा नाम थर्मोस्टेट नॉब भी है। बेसिकली क्या है कि आप इसके अंदर जो भी टेम्परेचर सेट करेंगे, मतलब जो भी आपको सूट करता है आप वो टेम्परेचर सेट करेंगे, जब वो टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो ये हीटर अपने आप बंद हो जाएगा। वापिस जब आपके रूम का तापमान कम होता है, वापिस टेम्परेचर कम होता है, तो वो उस थर्मोस्टेट रूम हीटर को वापिस स्टार्ट कर देगा और आपका रूम टेम्परेचर को वापिस ही गर्म करने लग जाएगा। तो ये होता है टेम्परेचर इस कंट्रोलिंग नॉब का काम, जो कि काफ़ी एक अच्छा फीचर है। ये है इसका इंडिकेटर नॉब, तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट जल जाएगा। और पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ये है हैंडल, जिससे कि आप इसको ईजिली ग्रिप करके आप लिफ्ट कर सकते हैं। ये है इसका डस्ट फिल्टर, बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट होती है तो वो जो डस्ट है सीधी हीटर में ना जाए, इसके लिए इन्होंने पीछे की तरफ डस्ट फिल्टर दे दिया, जिसको आप इजीली निकाल कर आप क्लीन कर सकते हैं और आसानी से लगा भी सकते हैं। ये है इसका ऑसिलेशन स्विच, बेसिकली एक तो होता है कि हीटर एक ही एक दिशा में गर्म हवा फेंक रहा है, एक वही अगर हीटर मल्टी डायरेक्शनल में अगर हवा देगा, गर्म हवा फेंकेगा तो रूम जल्दी गर्म होगा, तो इसमें ऑसिलेशन स्विच भी दिया हुआ है। नीचे की तरफ ये टिप ओवर फंक्शन दिया हुआ है, बेसिकली इन केस अगर रूम हीटर आपका खड़ा है, कोई भी पैट या फिर कोई बच्चा इसको गिरा देता है तो उस केस में ये हीटर अपने आप ऑफ हो जाएगा, जो कि एक अच्छा फीचर है। पावर कॉर्ड लगभग 1.9 मीटर की है, पावर के प्लग के साथ में आता है, ये 16 एम्पीयर का प्लग दिया हुआ है तो ये बड़े वाले सॉकेट में लगेगा। अब बात करते हैं इसके हीटिंग, जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। पीटीसी फैन हीटर पॉजिटिव टेम्परेचर को एफिशिएंट हीटर, ये जो हीटर्स होते हैं इसका जो एलिमेंट होता है सिरेमिक के बीच में फिटेड होता है। इसकी टेक्नोलॉजी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ मैंने समझाई है कि ये किस तरह से हीट करता है। पीटीसी फैन हीटर जो होते हैं इनका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि एक तो इनकी हीटिंग काफ़ी फास्ट होती है, साथ ही साथ ये कंपेयर टू ब्लोअर्स एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं और ये सेफ भी रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन काफ़ी कम लेवल पर बर्न होती है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी हीटर के अंदर वो होता है उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन, तो जैसा कि सब ब्लोवर्स में या सब बाकी जो दूसरे जो पीटीसी हीटर्स होते हैं उसी तरह इसका भी इलेक्ट्रिक कंजप्शन मैक्सिमम 2000 वॉट है। मतलब कि अगर आपका ये हीटर कंटिन्यूअस 1 घंटा चलता है तो 2 यूनिट बिजली का बिल आएगा। अगर एवरेज हम बात करें 6 रुपया बिजली का बिल हो, पर यूनिट बिजली का बिल हो, तो लगभग 1 घंटे का 12 रुपये आएगा। मैंने इस हीटर को प्लग कर दिया है, जैसे ही मैं इस हीटर को ऑन करता हूं तो यहां पर रेड कलर का ये इंडिकेटर आ जाता है और जैसा कि पीछे का जो ऑसिलेशन स्विच है ये ऑन किया हुआ है तो इसने ऑसिलेशन करना भी शुरू कर दिया। अब थर्मोस्टेट से मैं टेम्परेचर सेट कर सकता हूं। यहां पे तीन हमारे पास में 2 हीट सेटिंग आती है, एक तो ये जो सिंपल फैन चलता है वहां पे केवल एक नॉर्मल फैन चलता है, उसके बाद में पहली हीट सेटिंग पर 1300 वॉट में चलेगा और दूसरी पे 2000 वॉट में। तो अब हम इसको 1300 वॉट पे चला लेते हैं। दोस्तों मैं इसको लगभग 3 दिनों से यूज कर रहा हूँ। जयपुर सिटी में अभी लगभग रात का तापमान 15 डिग्री है और लगभग एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने में इसको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगा था, और जैसा कि दूसरे जैसे जो कई जो क्वार्ट्ज या फिर जो हेलोजन हीटर्स होते हैं उनके अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि इवन गला सूख जाता है, स्किन भी हमें ड्राई लगने लगती है, तो वो काफ़ी हद तक इसके अंदर कम था क्योंकि पीटीसी हीटर में थोड़ी सी ड्राइनेस कम होती है। बात करते हैं रिव्यू पार्ट की। दोस्तों सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी,
बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी स्टडी है, बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज़ कि जो हीटिंग टेक्नोलॉजी है पीटी सीटर, इसकी हीटिंग भी काफ़ी फास्ट है, जिसको मैंने यूज़ करके लगभग 3 दिन से मैं देख ही रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आफ्टर सेल सर्विस। कंपनी हैवल्स कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, अप्लाइंसेस की बहुत बड़ी रेंज आती है, पैन इंडिया इसका सर्विस नेटवर्क है, तो आप अपने आसपास में सर्विस सेंटर चेक करके आप इसकी सर्विस भी अवेलेबल आप ले सकते हैं। एक जो सबसे जो खास बात है इस फिल्टर की जो काफ़ी इसको यूनिक बनाता है वो है इसका डस्ट फिल्टर। अब अगर हम बात करें प्राइस के हिसाब से वर्थ की, तो दोस्तों जब एक 5,000 रुपये के आसपास हम प्राइस देते हैं तो थोड़ी सी प्राइस मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि आप दूसरी ब्रांड से अगर आप प्राइस कंपेयर करेंगे तो इतना अच्छी एक बड़ी कंपनी में भी आपको हीटर ये लगभग 3,500-4,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन जहां हम 5,000 रुपये पे कर रहे हैं तो वर्थ के हिसाब से थोड़ी सी मुझे प्राइस ज़्यादा लगी। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी शानदार है, लाइट वेट है, फिनिशिंग इसका, कलर कॉम्बिनेशन, इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है। अगर इसको आपको परचेज करना चाहें, बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाना कर आप इसको परचेज करना चाहें कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।